नंबर 10 का थर्ड थ्योरम है, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। ये है ट्रायंगल एबीसी, सेकंड इज ट्रायंगल डीईएफ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऐसी ट्रायंगल्स हों जिनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। यानी आज के इस थ्योरम में हमें गिवन होगा तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये गिवन की हेडिंग के नीचे लिखेंगे। टू प्रूव की हेडिंग के नीचे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ। अब हम जरा स्टेटमेंट की वर्डिंग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपको जुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही लिखी हुई होगी और इसको देख के पढ़ के आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपने क्या क्या लिखना है। सो स्टेटमेंट को सही स्ट्रांगली आपने अंडरस्टैंड करना है। जब कोई टीचर कहता है कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए उसके ऊपर, तो टीचर की ये मतलब होता है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद गिवन और टू प्रूव को एक दूसरे से इजीली अलहदा करके बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त लिख सको। स्टेटमेंट इज इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, देन प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बुक में ये जो थ्री साइड्स वाली बात है इसको आप अंडरलाइन कर लो, आपको थ्योरम प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। तो इस थ्योरम की शॉर्ट फॉर्म में ये कंसेप्ट बनता है कि तीन साइड्स, तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाती है। मैं कुछ आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है रिकॉल करवाना चाहता हूँ। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में आपने पढ़ा था कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल होने की वजह से, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। फिर आपने चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था दो एंगल्स और उनके इंक्लूडेड साइड इक्वल होने की वजह से भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो आज ये तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे कि तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होने की वजह से भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इसको हम इस थ्योरम में आज प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन की हेडिंग। हम इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेंगे, ए बी सी की करस्पॉन्डेंस डी ई एफ के साथ, और हम लिखेंगे कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, BC congruent to EF and CA congruent to FD। इन तीनों बातों को यहां हम लिख देते हैं। In correspondence between triangle ABC and DEF, we have the following, यानी first side AB is congruent to DE, जैसे मैंने बताया था, BC congruent है EF के और CA congruent है FD के। Next is the heading to prove. We want to prove that triangle ABC and triangle DEF are congruent. अब यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट हिंट बताना चाहता हूं। आप देख सकते हो कि इस थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर टू द अदर्स, लेकिन इसको याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही आसान है। आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा तो ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कंसेप्ट ये है बेटा कि इस थ्योरम को आपने प्रूव करना है यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बस ये एक बात आप याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको जरा रिकॉल करवा दूं यहां रफ वर्क में। अगर आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास तीन नंबर्स हों ए बी और सी, सच दैट इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको यहां पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? हमारे पास टोटल इस थ्योरम में तीन ट्राइंगल्स होनी चाहिए। यहां तीन नंबर्स बोले ना, ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो तीन ट्राइंगल्स होनी चाहिए। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ, थर्ड ट्राइंगल नहीं है हमारे पास। तो याद रखना हम वो तीसरी ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे खुद बनाएंगे ताकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का जो मिसिंग थर्ड एलिमेंट था वो फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए। अब फिर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे ये भी मैं इधर आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, यानी आसान अल्फाज में मैं ट्राइंगल ए बी सी को अगर ए कह दूं, थर्ड ट्राइंगल को बी कह दूं, और ये जो ट्राइंगल डी ई एफ है इसको मैं सी कह दूं, तो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी,
फिर हम प्रूव करेंगे बी इज इक्वल टू सी, आखिर में हम रीजन देंगे सिंस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल हेयर देयर फॉर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। यानी सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को न्यू बॉर्न ट्राइंगल नंबर 3 के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर न्यू बॉर्न ट्राइंगल 3 को ट्राइंगल डी ई एफ के इक्वल प्रूव करेंगे और फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन की हेडिंग है। अब याद रखो मैंने बताया कि हमें थर्ड ट्राइंगल की जरूरत है, हम थर्ड ट्राइंगल अभी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सपोज इन ट्राइंगल डी ई एफ, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर साइड ई एफ, ये जो बेस वाली हॉरिजॉन्टल साइड है ई एफ, ये बाकी दोनों साइडों से बिल्कुल भी छोटी नहीं है। ठीक है, यानी जो साइड ई एफ है ये पॉइंट समझने वाला है, इट इज नॉट स्मॉलर देन द अदर टू साइड्स। अगर स्मॉलर नहीं है या फिर ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब भी ट्राइंगल ड्रॉ की जाती है तो अपनी आसानी के लिए ये कोशिश होती है कि हॉरिजॉन्टली जो बेस ली जाए वो सबसे ग्रेटर हो, तीनों साइडों में से वो ग्रेटर हो। तो इस बात को हम यहां लिखेंगे, सपोज ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स, ये बात यहां पे हमने लिख दी। उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो साइड आपने ली ई एफ, इस साइड ई एफ के ऊपर आपने एक नई ट्राइंगल बनानी है। यानी अभी हम क्या लिखेंगे, ऑन दिस बिगर साइड ई एफ draw a new triangle, उसका नाम हम रखेंगे ट्राइंगल एम ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, इस लाइन सेगमेंट को हम कह देते हैं लाइन सेगमेंट एम ई। अब सवाल पैदा होता है कि इस लाइन सेगमेंट एम ई की लेंथ क्या हो, क्या ये 2 सेंटीमीटर हो, क्या ये 3 हो, क्या ये 4 हो, या क्या ये ए बी के इक्वल हो, क्या ये बी सी के इक्वल हो, क्या ये सी ए के इक्वल हो। तो वी हैव टू मैनी चॉइसेस, हमने किसी एक चॉइस को फॉलो करना है, तो कोई सी भी चॉइस फॉलो की जा सकती है। हम सपोज कर लेते हैं ए बी को, सॉरी एम ई को इक्वल टू ए बी, और उसके बाद ये जो एंगल बना एंगल एफ ई एम, फिर यहां सवाल पैदा होता है कि इस एंगल की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या ये 70 डिग्रीज हो, क्या ये 20 डिग्रीज हो, क्या ये 50 डिग्रीज हो, क्या ये एंगल ए के इक्वल हो, एंगल बी के इक्वल हो, एंगल सी के इक्वल हो। अपने प्रूफ को आसान बनाने के लिए हम इसको पहले से मौजूद किसी एंगल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो हम इसको पहले से मौजूद इस एंगल बी के इक्वल सपोज करेंगे। अब एम ई इक्वल है ए बी के और एंगल एफ ई एम इक्वल है एंगल बी के, इस बात को यहां हम नोट कर देते हैं। ऑन ई एफ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एम ई एफ in which angle FEM is congruent to angle B and side ME is congruent to side AB. यहाँ पे triangle complete करवाने के लिए हम क्या करते हैं, M और F को मिला देते हैं ताकि triangle MEF complete बन जाए। सही है, ये हमने मिला दिया MF को, this should be a straight line। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट डी है इस पॉइंट डी को हमने पॉइंट एम के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां डायग्राम पे मैं बता देता हूं, ये पॉइंट डी और पॉइंट एम को एक दूसरे के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। इस बात को भी यहां पे हम लिख देते हैं, ज्वाइन द टू पॉइंट्स एम एंड डी। फिर उसके बाद हमने एंगल्स को बिल्कुल वैसे ही लेबल करना है जैसे बुक वाले ने किया हुआ है। तो इस एंगल को हम कह देते हैं ये है एंगल नंबर 1, इसके एडजेसेंट ये जो है इसे हम कह देते हैं एंगल नंबर 2, फिर इधर नीचे लेफ्ट साइड पे इस एंगल को हम कह देते हैं एंगल नंबर 3, और इसका एडजेसेंट एंगल इसको हम कह देते हैं एंगल नंबर 4। इस बात को भी लिख देते हैं कि लेबल द एंगल्स 1, 2, 3, 4 एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए इस टेबल में हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे और डायग्राम को भी हम यहाँ अपने सामने नोट कर लेते हैं। देखो मैंने आपको इसकी टेक्निक प्रूफ की बताई थी, यहाँ फिर मैं रिपीट कर दूं कि अब हमारे पास टोटल तीन ट्राइंगल्स हो चुकी हैं। एक है ट्राइंगल ए बी सी, दूसरी है ट्राइंगल एम ई एफ, ये नीचे जो न्यू बॉर्न ट्राइंगल है, और थर्ड है ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये प्रूफ की मेथोडोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, ये एक लाइन आप समझ लो तो आपको सारा प्रूफ याद हो जाएगा जुबानी। आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पे आपने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो सेकेंड स्टेप पर आपने ट्राइंगल एम ई एफ को ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। और आखिर में आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंक्लूजन लिखनी है एक लाइन में कि फ्रॉम वन एंड टू यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, चूंकि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ दोनों ट्राइंगल एम ई एफ के इक्वल हैं, सो यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, और आपका प्रूफ इधर आके कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूफ हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लिखी हमने, कंसिडर ट्राइंगल करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एम ई एफ। अब आपने गिवन और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के नीचे देखना है कि इनके कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था एम ई इज इक्वल टू ए बी, फिर हमने देखा था कि एंगल एफ ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और फिर हमें गिवन था कि साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ। तो जरा देखो ये कौन सा पोस्टुलेट या थ्योरम बन रहा है, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये साइड। देखो दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इस ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। तो ऐसे इस पोस्टुलेट की वजह से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इन सारी बातों को यहां लिख देते हैं हम। हमें गिवन था बी सी और ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, फिर हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला कि एंगल एफ ई एम और एंगल बी भी इक्वल है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन में ही देखा कि एम ई और ए बी इक्वल थे। तो ये बना ऐसे एस पोस्टुलेट जिसकी वजह से ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी आपके पास ये जो फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को मिलाने से जो साइड सी ए बनेगी, इधर फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को मिलाने से जो साइड एफ एम बनेगी, तो सी ए और एफ एम दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसकी रीजन क्या होगी, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। बट हमें एक और बात गिवन थी कि सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, ये हमें गिवन था। तो वंस अगेन यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि साइड एफ एम और एफ डी दोनों साइड सी ए के इक्वल है, तो आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। सो बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, एफ एम एंड एफ डी आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे अभी देखो डायग्राम के ऊपर इस बात का क्या मतलब है, ये जो साइड है एफ डी, ये जो साइड है एफ डी और ये साइड है एफ एम, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। यहां तक हमने अभी प्रूव किया। अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम सेकंड स्टेप के लिए एडवांस में कुछ वर्किंग कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आगे इन ट्राइंगल एफ डी एम, ये जो ट्राइंगल है एफ डी एम वाली, इस ट्राइंगल के अंदर वो कहता है कि एंगल टू और एंगल फोर एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये एंगल टू और ये एंगल फोर दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों, इसकी रीजन क्या है, आप पढ़ चुके हो कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, एफ एम और एफ डी इक्वल है। सो आप देखो एंगल, ये जो साइड एफ एम है, ये वाली साइड एफ एम के ऑपोजिट एंगल टू मौजूद है, एफ डी ये वाली साइड है इसके ऑपोजिट एंगल फोर मौजूद है इसके ऑपोजिट, तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट, सिमिलरली बाय द सेम रीजन वी कैन प्रूव दैट एंगल वन एंड एंगल थ्री आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या करते हैं, इनकी मेजरमेंट्स को ऐड कर देते हैं। ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको इधर बताया गया था कि जब भी एडिशन होती है या रेशो होती है तो मेजरमेंट यूज करते हैं, दूसरी कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज नहीं करते। इक्वेशन थ्री को फोर में एड कर दो, एंगल वन विल बी एडेड टू एंगल टू एंड एंगल थ्री विल बी एडेड इन टू एंगल फोर, तो इनकी एडिशन के बाद ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखो फ्रॉम फिगर, ये एंगल वन है और ये एंगल टू है, एंगल वन एंड टू को सम करोगे तो ये बिगर एंगल ई डी एफ मिलेगा आपको, ठीक है। एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू देयर पेरेंट एंगल ई डी एफ, या आप यूं भी कह सकते हो एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल वन एंड एंगल टू। सिमिलरली एंगल एफ एम ई इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल फोर एंड एंगल थ्री, एंगल थ्री और एंगल फोर को एड करने से ये वाला एंगल एफ एम ई बनता है, तो अल्टीमेटली बना एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एम एफ। फ्रॉम फिगर, क्या फिगर से पता चला था आपको, मैंने बोला कि एंगल वन प्लस एंगल टू करने से आपके पास एंगल ई डी एफ आ जाता है, ओके। और इसी तरह मैंने बताया कि एंगल जो है थ्री
प्लस एंगल 4 करने से आपके पास एंगल FME बन जाता है। तो 1 और 2 के सम को EDF से रिप्लेस किया, 3 प्लस 4 के सम को EMF के साथ रिप्लेस किया। अब आप देखो, मैंने आपको यहां सेकंड स्टेप बताया था कि अब आपने करना क्या है, ट्रायंगल MEF को DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उनकी करेस्पोंडेंस लिखी, अब इनके करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल करने के लिए हमने ये सारी वर्किंग जो है यहां से लेके यहां तक ये एडवांस में कर ली थी। ये थोड़ी समझदारी का हमने काम किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जितनी वर्किंग की जरूरत थी वो हमने एडवांस में कर ली। अब आगे इन्हीं चीजों का, पुरानी चीजों का हम रेफरेंस देते चले जाएंगे। अब जरा आप देखो कि यहां पर ट्राइंगल DEF ये ऊपर वाली ट्राइंगल है और ट्राइंगल जो है MEF वो नीचे वाली ट्राइंगल है। इनकी कौन कौन सी साइड्स और एंगल्स हैं जो इक्वल हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FM कॉन्ग्रुएंट है FD के। ये आप देखो हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव किया था इसको। इसके बाद आप देखो एंगल EDF, एंगल EMF के अभी अभी हमने प्रूव किया। फिर आगे जगह नहीं है तो हम इधर थोड़ा इसको साइड पे लिख लेते हैं, मैं पहले इसको रेज कर लूं। यहां पे लिख लेते हैं इसको हम नेक्स्ट, ये भी मैं रेज कर देता हूं। तो अब देखो ये बात भी हम ऑलरेडी जो है ऊपर प्रूव करके आए हैं। क्या प्रूव करके आए हैं कि ME कॉन्ग्रुएंट है DE के, ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। आप देखो जरा, हमें गिवन था कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। कंस्ट्रक्शन में हमने सपोज किया कि ME is also equal to AB, तो अगेन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ME और DE इक्वल हुए एक दूसरे के। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं और नीचे उनके रीजंस लिख रहा हूं, ठीक है, आगे जगह नहीं थी। उसके बाद अब आप देखो ये भी साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट बन रहे हैं, तो साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब अगर आप देखो जरा गौर करो यहां पर कि हमारे पास जो है, शुरू में हमने प्रूव किया था कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ई एफ के, और यहां हमने शुरू में ये मैं लिख देता हूं एम ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, और अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। पता चला कि ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी दोनों सेम ट्राइंगल एम ई एफ के इक्वल है, तो यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। तो इस बात को यहां पे हमने मेंशन कर दिया, यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। तो ये जो बात हमने लिखी यहां पे, आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की रीजन भी पेपर में एग्जाम में लिख सकते हो, बिल्कुल आपके परफेक्ट मार्क्स आएंगे। प्रूफ खत्म हुआ। आप कुछ एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यू है एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज बट ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, की ये बेसिकली डेफिनेशन लिखी गई है। वो एंगल जो जीरो से बड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री, 30 डिग्रीज, 89 डिग्रीज, ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं, इनको आपने याद रखना है। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा एंगल होता है? वो एंगल जो 90 और 180 के दरमियान में हो। फॉर एग्जाम्पल ये तो सारे एक्यूट हो गए थे, ऑब्ट्यूस की एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 91 इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, 120 इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, 179 इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। 180 को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, इट इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल। 180 को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइन एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, ऐसा एंगल जो 180 से ग्रेटर हो, यानी ऐसा एंगल जो 180 और 360 के दरमियान में लाई करे, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 181 एक रिफ्लेक्स एंगल है, 270 एक रिफ्लेक्स एंगल है, 359 भी एक रिफ्लेक्स एंगल। What is angle between perpendicular lines? अगर दो lines perpendicular हैं तो उनका symbol ये होता है, यानी उनके दरमियान angle 90 degrees होता है। So correct option is right angle. Next MCQ is what is the measurement of a straight angle? थोड़ी देर पहले बताया, Charlie option is correct option. A dash is an angle which is more than 180 degrees but less than 360 degrees. थोड़ी देर पहले बताया reflex angle. Next MCQ is an angle equal to 90 degrees is called obtuse, acute, reflex or right. तो 90 degrees इसको right angle कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। Next है which of the following is not obtuse angle? मतलब चार options हैं, तीन options के पास obtuse angle है, किसी एक के पास obtuse angle नहीं है, उसको identify कर लें। Obtuse angle 90 से greater होता है, 180 से less होता है, so ये 90 से greater है, ये भी 90 से greater है, ये भी 90 से greater है, ये 90 से लेस है। सो एन एंगल लेस देन 90 इज नॉट ऑब्ट्यूज, इट इज एक्यूट एंगल।